Don't forget to subscribe Ladder Rock and press the bell icon for updates. सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमना चटर्जी एके राइडर रॉक और मैं आज बहुत दिन के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा ए महीना लास्ट जो महीना था मेरा एग्ज़ाम का महीना था, मेरा सेमिस्टर चल रहा था, मैं कलकत्ता में था। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि मेरा जो वीडियो क्वालिटी है वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है, और ये मेरा सेकेंड टाइम कोई फेस कैम वीडियो है, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा कैमरा नहीं था कि मैं कोई फेस कैम वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने आज पहली बार मैंने कोई फेस कैम वीडियो बनाया है। और मैंने सनग्लास भी पहना है, क्योंकि मेरा बीच बीच में मेरा आँख स्क्रीन के तरफ जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मैंने कैनन EOS 80D ख़रीदा है, और इसके साथ मैंने लिया है 18-55mm का लेंस, और इसका प्राइस कलकत्ता में अभी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, तो इसका प्राइस लगभग पड़ा मुझे 65,000। तो मैंने सोचा था कि मैं जनवरी में, मतलब न्यू ईयर में DSLR ख़रीदूँ, लेकिन मैंने देखा कि अभी एक्समस में, क्रिसमस में थोड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो मैंने अभी ले लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मेरा अभी, मैंने ब्लॉगिंग के लिए, मेरा ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मैंने जो जो चीज़ ख़रीदा है वो चीज़ क्या क्या है। चलिए देखते हैं, मैंने कैमरा खरीदने के बाद ये लॉजिक प्रो का ये बैग लिया है मैंने, और ये बैग काम का है, बहुत काम का है, क्योंकि इस बैग में मेरा जितना भी कैमरा का सामान होगा सब कुछ मैं, रुकिए एक सेकेंड, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा न्यू कैनन EOS 80D है, और इसके साथ मैंने फोकस नहीं लिया अभी तक, हाँ, इसके साथ मैंने EFS 18-55mm का लेंस लिया है मैंने। तो ये रहा मेरा कैमरा पूरा 80D, और इसके साथ मैंने ले आया बोया का ये माइक। इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर है BYVM01, इसका है मॉडल नंबर। तो इसके साथ एक ये वाला स्पॉन्ज भी आता है, और ये ब्लैक वाला भी आता है। तो इसका दाम लगभग 1400 रुपये पड़ा था मुझे। और इसके बाद मैंने लिया है ये डिजिटेक का एक्स्ट्रा फ्लैश, तो ये किसी और काम के लिए है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं इसको कौन से काम के लिए मैंने इसको लिया। और इसका प्राइस पड़ा है लगभग 1800 रुपये, हाँ, कलकत्ता में। और मैंने इसमें 4 बैटरी लगता है, डबल ए सेल का 4 बैटरी लगता है, तो 4 बैटरी का प्राइस पड़ा 500 रुपये 25 MHz का, और इस चार्जर का प्राइस पड़ा 450 रुपये। बैटरी जो है वो है ये NV का चार्जर, मैं बोल देता हूँ, चार्जर भी NV का है, और जो ये बैटरी भी NV का ही है। तो ये है बैटरी है 25500 MHz AA बैटरी। और माइक के लिए जो बैटरी लगता है मेरा, माइक के लिए ये जो मेरा माइक है, माइक के लिए TP-LE का बैटरी लगता है, ठीक है, और माइक का बैटरी रिचार्जेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो बैटरी लिया है तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस माइक पे एक बैटरी 2-3 महीना आराम से चल जाता है। और मैंने और एक चीज़ लिया है, वो है ये गोरिल्ला पॉड, इसका प्राइस 700 रुपये, 750 रुपये पड़ा मुझे, और ये कोई ब्रांड का नहीं है, कोई कौन से ब्रांड का है पता नहीं है,
चालू माल है शायद, जो भी है अच्छा है, थोड़ा बड़ा है क्योंकि बॉडी तो बड़ा है इसलिए बड़ा बड़ा गोरिल्ला बॉडी अच्छा रहेगा। इसका प्राइस 750 रुपये पड़ा है। बस यही है मेरा न्यू सेट, मेरा न्यू ब्लॉगिंग सेट। और ठीक है, फिर से 80D की फुटेज में जाते हैं हम लोग। तो आप में से कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि इसका चैनल अभी ग्रोथ स्टेज पे है तो इसने अभी अभी क्यों DSLR खरीदा। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बिगिनर ब्लॉगर्स के लिए DSLR होना, मतलब होना ही चाहिए, DSLR होना ही चाहिए कि ब्लॉगिंग करने के लिए, वो कोई बात नहीं है। मैंने DSLR लिया है सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए नहीं, ब्लॉगिंग के अलावा भी, यूट्यूब के अलावा भी मेरा कोई और एक काम के लिए, मेरा बिजनेस के लिए मैंने वे DSLR खरीदा है मैंने। तो मतलब दोनों काम के लिए मैंने DSLR लिया है। ये था मेरा ब्लॉगिंग का सेटअप, और मैंने अभी अभी जो जो चीज़ मैंने अभी अभी दिखाया है ब्लॉग पे, तो उन सब चीज़ का प्राइस और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो क्या है, मैं पता नहीं कैसा हुआ है। अगर अच्छा लगे तो लाइक दे देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक दे देना। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे तो आप लोग वही कर सकते हैं। और पहला टाइम है इसलिए DSLR के सामने, पहला टाइम लेंस के सामने पहला टाइम है इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ मैं, बीच बीच में स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, न्यू ब्लॉग आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद अगर साइट पे जो घंटा है, घंटा भी दबा दीजिए। और ठीक है, न्यू ब्लॉग आने वाला है, मैं बहुत सारे ब्लॉग मैं करूँगा अभी इस बार। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड राइट सेफ बी सेफ, बाय।